पेट्रोल बम्स और एलपीजी रिफिलिंग जारी है। शायद मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बड़े हादसे का खदशा इंतजाम का सरमालूम होने के बावजूद लोधरा शहर भर में रिफिलिंग के दौरान आयरोस गैस सिलेंडर फटने के वाकयात के बावजूद जिला इंतजामिया हरकत में ना आ सकी। एलपीजी डीलर तमाम कानून को नजरअंदाज करके बिला खौफ अपना धंधा चमकाए हुए हैं, जबकि इनकी दुकानों में हिफाजती आलात भी नहीं है। इस वक्त जिला लोधरा में 400 से ज्यादा दुकानों में एलपीजी की रिफिलिंग की जा रही है। लोधरा से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और एलपीजी की रिफिलिंग जारी है, जिसकी वजह से खतरा जाहिर किया जा रहा है कि आए रोज जो सिलेंडर धमाके होते हैं, इसकी वजह से जो नाखुशगवार वाकयात पेश आते हैं, इन धंधों को बंद होना चाहिए। लोधरा शहर भर में रिफिलिंग के दौरान आए रोज गैस सिलेंडर फटने के वाकयात के बावजूद जिला इंतजामिया हरकत में ना सकी। एलपीजी डीलर तमाम कानूनों को नजरअंदाज करके बिला खौफ अपना धंधा चमकाए हुए हैं, जबकि इनकी दुकानों में कोई भी हिफाजती आलात नहीं है। इस वक्त जिला लोधरा में 400 से ज्यादा दुकानें हैं जहां पर एलपीजी की रिफिलिंग की जा रही है। लुटन में तजावजात की भरमार, लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत तजावजात की सूरत में मुंह चढ़ा रहा है। तजावजात की शदीद जद में है, जिसकी वजह से लोगों का पैदल चलना निहायत मुश्किल हो गया। लुटन में अड्डा और मेन अड्डा, मेन बाजार, करमपुरा रोड, पूरेवाला रोड और दीगर कई जगहों पर नाजायज तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से औरतों और तालिबात का गुजरना मुहाल हो गया है। मुतअद्दिद बार महकमे को तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है, पर महकमे के लोग टस से मस नहीं हो रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं लुटन से, जहां पर तजावजात कमी भरमार, लोगों का पैदल चलना मुहाल हो चुका है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि सड़कों तक लोगों ने अपना कारोबार जो है फैला लिया है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इन नाजायज तजावजात को साइट पर किया जाए। बहावलपुर में एक समाजी तंजीम की जानिब से इज्तमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं राहिल ताहिर की इस रिपोर्ट। बहावलपुर में एक समाजी तंजीम की जानिब से इज्तमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के अजीजों अकारिब समेत बहावलपुर के सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इज्तमाई शादियों का सिलसिला हमने 2005 में शुरू किया था और आज तक चल रहा है माशाल्लाह। आज तक हम 131 कामयाब शादियाँ कर चुके हैं। पहले साल हमने 10 की थी, बाद में हमने इंक्रीज करके 15 कर दिया हर साल। एक ऐसा लम्हा है जिसमें हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप सब मिलकर एक दूसरे के साथ तआवुन करें। देखी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन करने का जो ये मौका आज बहावलपुर में हमें देखने को मिला है, ये बहुत आला दर्जे का है। रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले जोड़ों के लब पर अपने मसीहा के लिए दुआया कलमात थे। सच है, तकदीर बदल जाती है दुआओं के असर से। मेरे माँ बाप मेरा बाप बोझ नहीं उठा सकते थे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस तंजीम के शुक्रगुजार हूँ कि इस तंजीम ने मेरे। रिपोर्ट आपने जानी। आपको बताएं कि मियांवाली में वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर रेस्क्यू 112 और रेफरल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। यकम फरवरी से सर्विस के इफ्तिताह तक रवमाह के अख्ताम पर 58 मरीजों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी 14 मरीजों को लाहौर, जबकि 2 मरीजों को सरगोधा और 1-1 मरीज को मुल्तान और फैसलाबाद मुंतकल किया गया। फ्री एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करने पर जिला मियांवाली की आवाम का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी हिदायत पर बगैर किसी मुआवजे और फौरी तौर पर फ्री सर्विस मुहैया की जा रही है। लाहौर कैंट के इलाके न्यू शाह जमाल टाउन की जामे मस्जिद बाबा शाह जमाल में महफिल मिलाद का इनाकाद किया गया।
والٹن روڈ پر واقع نیوز شاہ جمال ٹاؤن میں راجہ یوسف، راجہ اشفاق اور اہل علاقہ کی جانب سے بابا شاہ جمال مسجد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں عالم دین محمد عمران آسی سیالکوٹی صاحب نے خصوصی شرکت کی اور اپنے روح پرور بیان سے دلوں کو منور فرمایا۔ نعت خوانوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ محفل کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں نیوز شاہ جمال ٹاؤن کی جامع مسجد میں بابا شاہ جمال میں محفل میلاد کے انعقاد کیا گیا، اور جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہاں پر نعت خوانی کی گئی اور ذکر و اذکار بھی کیا گیا، جس میں آپ کو بتائیں کہ معروف علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو دیگر حاضرین تھے ان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خصوصی طور پر ملک کی سلامتی کی بھی دعا کی گئی، اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ وہاں پر لنگر کا انتظام بھی کیا گیا۔ ناظرین ڈسٹرکٹ نیوز بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رائل نیوز۔ We'll be right back.